क्या दिन था। मुझे थोड़ी ताकत वापस पाने के लिए कुछ मिनट लेटना होगा। हाँ, ये क्या है? ये यहाँ कैसे आए? हाँ, मुझे सैम से पूछना होगा। हाँ? लगता है हमारा घर धीरे धीरे एक बड़े कॉइन बॉक्स में बदल रहा है। सैम, हमें बात करनी होगी। ये सब क्या है? मुझे पता है ये सिक्के हैं, पर ये मेरे तकिए के नीचे और मेरे जूतों में क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं कुछ अच्छा सा खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। मेरे जूतों में पैसे जोड़ रहे हो? वो सब मेरी छिपाने की जगह है। परेशानी ये है कि मेरे जूते कॉइन बॉक्स नहीं है। नहीं, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने पैसे कहाँ रखे हैं। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, आओ। मेरे ख्याल से तुम्हारे सिक्कों के लिए मनी बॉक्स बनाना चाहिए, फिर तुम नहीं भूलोगे तुमने अपनी सेविंग्स कहाँ रखी है। नहीं, मनी बॉक्स बहुत बोरिंग होते हैं, ओल्ड फैशन। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। ये एक ऑटोमेटिक मनी बॉक्स होगा और बहुत मजेदार होगा। क्या ये ऑटोमेटिकली मेरे पैसे चुरा लेगा? लगभग। क्या ये ऑटोमेटिकली मेरे पैसे वापस कर देगा? अगर ये तुम्हें पैसे वापस कर देगा तो जितने तुम्हें जोड़ने हैं वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएंगे। वैसे तुम ठीक हो। अब हमें कार्डबोर्ड पर आउटलाइन बनानी होगी दांत बनाने के लिए। तुम्हारा क्या मतलब है तुम दांत बना रही हो? दांतों वाला मनी बॉक्स मेरे सिक्के चबा जाएगा। हाँ, ये मत भूलो कि ये कार्डबोर्ड के दांत है, इन्हें ड्रॉ किया हुआ है। कोई बात नहीं, पता जबड़े डरावने लगते हैं शहद की तरह। दपम परम पम, थोड़ा और। ये देखो, ये डरावना लगता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारा फ्यूचर मनी बॉक्स है। ट्यूथिगाय अभी के लिए आराम कर सकता है। और अब मुझे इस ढक्कन की जरूरत होगी, पैसे यही गिरेंगे। मैं अभी के लिए ढक्कन खोल दूंगी और प्लास्टिक के पीस को बॉक्स में लगा दूंगी, बिल्कुल इस शेप में। मुझे इसे ध्यान से स्क्रू करना होगा और ढक्कन वापस लगा दूंगी। परफेक्ट, देखो। हे सैम, दांत के लिए इन पीसेस को काटने में प्लीज मेरी मदद करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ तुम मेरे बिना नहीं कर सकती थी। दांतों को एकदम सफेद बनाने के लिए हम उन्हें पेंट नहीं करेंगे, बस थोड़ा पेपर चिपका देंगे। ये लो, जल्दी, इससे पहले कि ग्लू सूख जाए। अब ध्यान से, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही। लो, ये स्माइल तो उतनी ही सफेद है जैसे टूथपेस्ट कमर्शियल्स में होती है। अब हम यही पेपर वाली ट्रिक दोबारा करेंगे और हम पूरे बॉक्स पर हरा पेपर लगाएंगे। कॉर्नर्स पर ध्यान से लगाएं। यहाँ सेल्फ एडहेसिव पेपर लगाना ही सही रहेगा। आराम से और अच्छे से लगाएं ताकि पेपर के नीचे बबल्स ना बने। तुमने आपका साइज नहीं बताया, इसलिए मैं ढेर सारी काट लाया। ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया लग रही है। ये थोड़ी डरावनी लग रही है। वैसे इसे अनजान लोगों को तुम्हारे खजाने से दूर रखना होगा, तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही लुक है। ऐसे नहीं चलेगा, चलो कार्डबोर्ड के लिए स्टैंड बनाएं। ये हमारे मनी बॉक्स को स्टेबल रखेंगे और ये हो गया परफेक्ट। देखो, क्या मैं इस चीज से फ्लफी के लिए खिलौना बना सकता हूँ? नहीं, हमें अपने मनी बॉक्स के लिए इस चीज की जरूरत होगी। मैं कुछ और देखता हूँ। अब हम अपने ऑटोमेटिक मनी बॉक्स के लिए मैकेनिज्म बनाना शुरू कर सकते हैं। मुझे इस तार को कुछ बार मोड़ना होगा। प्लस ध्यान से इस्तेमाल करें दोस्तों, इसमें थोड़ी मेहनत की जरूरत है, हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब मुझे तार को बॉक्स के उन छेदों में लगाना होगा जो मैंने पहले से बनाए हुए हैं। ये देखो, अच्छा लग रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप वीडियोस को ध्यान से देखते हैं। अगर ये बात सच है तो इस वीडियो को आप फिर तक देखें और बताएं इस वीडियो में मैंने कितने सिक्के इस्तेमाल किए। सैम, ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे विश्वास है हमारे व्यूज ऐसा कर सकते हैं। अब ये आया सबसे दिलचस्प और मुश्किल हिस्सा। सबसे पहले मैं वुडन स्टिक पर एक आउटलाइन बनाऊंगी। रूलर की जरूरत नहीं है। ओह, मैं भूल ही गई थी, मुझे एक छेद बनाना है। ड्रिल के लिए किसी बड़े की मदद लें। ध्यान से।
तुमने चश्मे क्यों लगाए हैं? जाहिर है सुरक्षित रहने के लिए। ओह चलो इस पीस को मोटर के साथ लगाएं। बहुत बढ़िया, चलो अब जोड़ना शुरू करते हैं। मैं इस पीस को हटा देती हूँ, नहीं तो ये बीच में आएगा, मुझे इसकी बाद में जरूरत होगी। और मैं कार्डबोर्ड का बेस यहाँ चिपकाऊंगी। इस पर तारों के साथ मोटर लगेगी। अब ध्यान से, और ये देखो, परफेक्ट, इसमें ऐसा ही दिखना चाहिए। मैं अपने सिक्के कहाँ डालूंगा मम्मी? मैं एक स्पेशल आर्म बनाऊंगी। आर्म्स और दांत वाला मनी बॉक्स? ओह नहीं, मुझे इन दो कार्डबोर्ड पीसेस और हाँ इस फॉइल और तारों वाले हाफ सर्कल पीसेस की जरूरत होगी, और हमें इन्हें लगाना होगा इस तरह। ये है हमारा बनाया मनी रिसीवर। और अब आम की तरफ बढ़ते हुए मैं इस वुडन स्टिक पर 4.5 सेंटीमीटर मेजर करूंगी, और हमें रूलर की जरूरत होगी। और मैं कट बनाऊंगी, असल में कट नहीं, मैं इसके लिए फाइल का इस्तेमाल करूंगी और डेंट बनाऊंगी, पूरा नहीं। देखा, आपको इस तरह का बेंड चाहिए। मैं इसे मजबूत बनाने के लिए बेंड के पास ग्लू लगाऊंगी। क्या तुम ऐसा मेरे लिए भी बना सकती हो? किस लिए? वो मुझे नहीं पता, मैं फ्लफी को इससे कुछ नहीं करूंगा। मैं इस बारे में सोचूंगी। चलो अब अपनी मशीन जोड़े, एक हाथ और दूसरा, बस उसे तार पर लगा दे। ये देखो, मुझे इसे ग्लू से पक्का कर देना चाहिए ताकि कोई परेशानी ना हो। और अब समय है कॉइन रिसीवर लगाने का। ग्लू में कंजूसी ना करे, ये बहुत अच्छे से लगना चाहिए, और मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो सारी तारों को बॉक्स के अंदर छिपा देते हैं। एक, हाँ तारों के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है, पर नतीजे कमाल के होते हैं। और ये दूसरी, अच्छे से और आराम से हमें अपने मैकेनिज्म को चलाने के लिए एक्यूमुलेटर लगाना होगा। ये देखो, अब हमें बस इसे कनेक्ट करना है। हाँ, यहाँ कितनी सारी तारे हैं। हाँ, चलो आगे बढ़े। देखो मैंने इन ग्रेजेस से मनी बॉक्स को डेकोरेट किया। अब ये और डरावना लग रहा है, कोई भी चोर सैम के सिक्कों को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। और मैंने बॉक्स के अंदर की सारी तारे भी कनेक्ट कर दी। अब मुझे कार्डबोर्ड से अंदर का सब कुछ ढकना होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि सिक्के उसके अंदर ना जाए, थोड़ी ग्लू लगाकर इसे चिपका देना चाहिए, ज्यादा नहीं। हाँ परफेक्ट, और अब मुझे तार के साथ हाथ जोड़ने होंगे दोनों तरफ। हो गया। हे सैम, आओ इस मशीन को चलाकर देखो। मैं आ रहा हूँ। ओह, मैं ट्राई करती हूँ। ये काम कर रहा है, दोबारा करो। मैं सबसे छोटी वाले से शुरू करती हूँ। बहुत बढ़िया। और ये कितना कूल है। वाह। और सबसे बड़ा वाला। हाँ, अब छोटे छोटे तीन। वाह कमाल है। फिर तो मिडिल साइज वाले। और मजा आ गया, मैं क्या करता हूँ। हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताएं और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दें। बाय बाय।